अरे भाई, आप नीतीश कुमार जी के बिहार के बाहर की गतिविधियों को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। उसको ज्यादा गंभीरता से मैं नहीं लेता हूं। लाइए हम आपको लिख कर दे देते हैं। बंगाल में आपने मेरा ट्वीट देखा होगा, मैंने कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा। लाइए आज लिख कर दे देता हूं, नीतीश कुमार को जदयू का 5 सीट बिहार में नहीं आने वाला है, चाहे जो कर ले। 5 को सीट नहीं आने वाला है। जदयू का कुछ बचा ही नहीं है जमीन पर। आप लोग खुद पत्रकार हैं, आप जरा बताइए कि कौन आदमी आज नीतीश, ना संगठन है, ना छवि है, ना नेता है, कौन जदयू को वोट देगा? भाई दूसरी पार्टियों को चाहे जो भी हो जाए, मैं जानता नहीं हूं, अभी चुनाव बहुत दूर है, लेकिन जदयू का कोई भविष्य नहीं है। अब वो पार्टी का अब अंतिम काल चल रहा है, और इसलिए नहीं कि उस पार्टी में कोई खराबी है, उस पार्टी के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार ने ही अपने हाथ से उस पार्टी का क्रियाक्रम कर दिया। उनको जरूरत ही नहीं है उस पार्टी की, उनको जरूरत बस इतना है कि हम मुख्यमंत्री बने रहें, और चाहे पार्टी में जो है जो करे ना करे। हम भी तो उस पार्टी में रहे हैं, आज गांव-गांव जा रहे हैं। जदयू में जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है वो बहुत सही लोग उस पार्टी में हैं। इसलिए सही लोग हैं कि ये वो लोग हैं, जब लालू जी के दौर में कोई राजनीतिक विकल्प बन रहा था तो जदयू यहां पर मेजर पार्टी थी, तो बहुत सारे अच्छे लोग समाज के जदयू में जुड़े हुए हैं। लेकिन या तो वो निष्क्रिय हैं, या निष्क्रिय कर दिए गए हैं, या दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं, और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार नीतीश कुमार हैं। आप रोज पलट के कभी इधर, पलट के उधर, पलट के इधर, इसकी क्या गारंटी? हम रोज कह रहे हैं, क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार फिर नहीं जाएंगे? आप खुद कह रहे हैं, आप जो इशारा जिस ओर कर रहे हैं।